नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं जहां पहले तीन वैक्सीन ही भारत में उपलब्ध थी, वहीं अब अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत सरकार ने आकस्मिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह है कि एक नया अध्ययन सामने आया है जिसमें अगर किसी को कोविशील्ड की पहली डोज दी जाती है और दूसरी डोज को वैक्सीन की दी जाती है तो वो ज्यादा कारगर पाई गई है। इस अध्ययन को DGCI की मंजूरी भी मिल गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश में कोरोना के मामलों में एक दिन में 10,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसने फिर से लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,353 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले 140 दिन में सबसे कम 3,86,351 हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया है। बता दें कि पिछले दो सप्ताह में 9 राज्यों के 37 जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इनमें केरल के 11 जिले और तमिलनाडु के 7 जिले शामिल हैं। इसके अलावा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 जिलों में साप्ताहिक सकारात्मकता दर 10% से अधिक है। कल यानी मंगलवार को बीते 24 घंटे में 28,204 नए मामले सामने आए थे, जबकि 373 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 41,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 97.49 थी। बता दें भारत में 9 अगस्त तक 86 नमूनों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 34 नमूने महाराष्ट्र के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 28,204 नए मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा पिछले 147 दिनों में सबसे कम है। देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 3,19,98,158 हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में भारत में चौथी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब भारत में 4 वैक्सीन जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हो गई है। वहीं एक नई बात भी सामने आई है कि किसी भी पेशेंट को अगर पहली डोज कोविशील्ड की दी जाती है और दूसरी डोज कोवैक्सीन की दी जाती है तो वो ज्यादा कारगर है। हालांकि इस पर अध्ययन किया जा रहा है और इस अध्ययन को DGCI की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर का खतरा भारत समेत दुनिया भर पर बना हुआ है, उसके खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं देखा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बड़े स्तर पर सामने आ रही है, जो तीसरी लहर को बड़े स्तर पर दावत दे सकती है। बड़ा सवाल यह है कि अभी और कितनी वैक्सीन है जिन पर अध्ययन चल रहा है, क्योंकि जब तक हर एक नागरिक का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक कोरोना का खतरा बना रहेगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना एकाएक किस कदर अपना जाल पसार ले और कब मामले लगातार बढ़ने लग जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं इसी पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिस कॉकटेल को लेकर DGCI ने मंजूरी दी है, क्या वो
बेशक कारगर है और उसको लेकर जिस तरह से चिंताएं थी कि कोविशील्ड लग गया उसके बाद कोवैक्सीन लग गया तो खतरा है या फिर ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर राजेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर आदर्श आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार मामलों में कमी दर्ज की जा रही है लेकिन इस वक्त आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना की? मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना के जो है प्रभाव जो है देखने को मिल रहे थे, जब से ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट किया गया है उस वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को राहत मिली है। अगर हम देखें तो अपने उत्तर प्रदेश में जो है बहुत कम केसेस देखने को इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से किया जा रहा है और सरकार हमारी जो है बहुत बड़े बड़े कैंप लगा रही है जिसके माध्यम से जो है लोगों को जो है क्रियान्वित कर रही है और उनको जो है इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि कोई कोविशील्ड लगाता है और उसके बाद कोवैक्सीन करता है तो जैसे अगर हम वायरस की बात करें, वायरस क्या कर रहा है, अपनी अलग अलग जो है स्पीसीज अलग अलग वेरिएंट चेंजेस हो रहे हैं, उसी तरह से ये भी एक तरह से कह सकते हो हमारे बॉडी में इस तरह के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा जो दोनों तरह के, अगर मान लो किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है वायरसेस अगर अटैक करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ज़्यादा और इम्यूनिटी जो है बूस्टअप करेगा जो काफ़ी हद तक हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है और कुछ जगहों पे जो है उसको जो है प्रूव भी किया गया है और देखा गया है कि उसका जो है माना जा रहा है कि हाँ ये जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर राजेश आपका क्या कहना है, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर आदर्श ने तो जिस तरह से कहा कि पॉजिटिविटी लेकिन एक डर था एक समय पर जब केसेस भी आए थे ऐसे आपको याद होगा कि जब कोविशील्ड डोज दी गई उसके बाद कोवैक्सीन दी गई उसका कॉकटेल दे दिया गया था लोगों को, अब उसी कॉकटेल को लेकर DGCI ने मंजूरी दे दी है कि हो सकता है ये ज्यादा प्रभावी हो लोगों के अंदर, तो आपको क्या लगता है और क्या स्थिति देख रहे हैं इस वक्त आप कोरोना की? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले जो स्टडी हुई थी उसमें ये देखा गया, ICMR की एक स्टडी थी, बेसिकली ये एक्सीडेंट था एक उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों को एक डोज कोविशील्ड की दी गई थी उसके बाद दूसरी डोज गलती से उन्हें कोवैक्सीन की लग गई थी, तो इसमें करीब 40 लोग थे जिसके बारे में ICMR ने स्टडी करा और ये देखा कि ऐसे लोग जिसमें दो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन लगी थी उनमें जो एंटीबॉडीज का लेवल था जो वैक्सीन लगाने के बाद बनती है वो ज्यादा था, तो कहने का मतलब कि ये जो मिक्सिंग है वैक्सीन की इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आया, जो इम्यून रिस्पॉन्स आया वो पहले से किसी भी एक अलग वैक्सीन को देने से उससे ज्यादा था और इसमें कोई भी बहुत सीवियर एडवर्स रिएक्शन नहीं थी, तो इस स्टडी को मतलब भले ये गलती से हुआ हो भारत में, ऐसा कोई डेलिबरेटली किसी ने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन इसके जो नतीजे आए और उसका जो साइंटिफिक विश्लेषण हुआ उसके बाद अब ICMR ने एक फुल स्टडी करने का निर्णय लिया है। ये अभी भी एक स्टडी के फॉर्म में ही रहेगा कि दो अलग अलग वैक्सीन दी जाएंगी और उसके बाद जो एंटीबॉडीज का लेवल है उसको चेक करके देखा जाएगा। हालांकि ये जो जी मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन है ये भारत में नया है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखें विश्व पटल पे तो जो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्कल, उन्होंने भी दो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन लगवाई थी, एक फाइजर की लगवाई थी और एक मोडर्ना की लगवाई थी, और अगर आप बाकी देशों के जो रिसर्च पब्लिकेशन है उनको भी देखो तो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन जो है ये प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है इस तरह के अध्ययन, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी फिलहाल जो स्थिति देख पा रहे हैं उसमें कोरोना के केसेस बेशक कम आ रहे हो लेकिन हमने ये भी गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरह से केरल और महाराष्ट्र में केसेस एक बार फिर से उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं, 22,000 एक दिन में केसेस केरल में सामने आए थे और ये लगातार चिंता का विषय भी रहा है कि केरल से ही केसेस में बढ़ोतरी हर बार देखी गई है, जिस तरह से एकाएक केसेस बढ़ते हैं तो क्या इस बार भी दूसरे फेज जैसी स्थिति आ सकती है या हम पहले से अभी सतर्क हैं और वो स्थिति हम नहीं देख पा रहे हैं? जो विशेषज्ञों का मानना है और जिस प्रकार से
जो न्यूज आ रही है केरला में कि लगभग 40,000 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीनेशन होने के बावजूद इन्फेक्शन हुआ, और एक विशेष जनपद में, ऐसा जनपद जिसमें वैक्सीनेशन का परसेंटेज काफी हाई था, ऐसा जिला, वैसा होने के बावजूद वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़े और लगभग 40,000 केसेस आए। तो ये अब एक भारत के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी एक राज्य में भारत के, चाहे वो केरला हो या महाराष्ट्र हो, अगर कोई म्यूटेंट स्ट्रेन जन्म लेता है या कोई नया स्ट्रेन जन्म लेता है तो वो भारत के अन्य राज्यों में बहुत तेजी से फैल सकता है। जैसे हम देख रहे हैं लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से केरला में जो आंकड़ा है वो 20,000 के आसपास बना हुआ है, और जो वैक्सीनेटेड लोग थे उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन और कुछ लोगों में री इन्फेक्शन के भी इंसिडेंसेस आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, और उन्होंने एक जिन लोगों में वैक्सीनेशन के बावजूद इन्फेक्शन हुआ था या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था उनके सैंपल्स मांगे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई नया म्यूटेंट वायरस तो नहीं है। लेकिन आपने जो संभावना जाहिर की वो बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि हमने सेकेंड वेव के पहले भी देखा था कि दूसरे जो देश के राज्य थे उनमें डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बाद में आया, शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये जो केरला में वायरस है, क्योंकि आप अगर देखें पूरे भारत में अन्य राज्यों से अगर आप केरला को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि केरला में वैक्सीनेशन का परसेंटेज भी अच्छा है और उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा था, टेस्टिंग ट्रैकिंग और आइसोलेशन का काम भी वो लोग अच्छे से कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी तेजी से केसेस का बढ़ना, लगभग 40,000 केसेस वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में मिलना, साथ में अगर आप इसी को आप एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैं न्यूज में देख रहा था कि अमेरिका में जो बेड्स हैं डेल्टा वायरस के केसेस इतने बढ़े हैं कि वहां पे आईसीयू में बेड्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी लॉकडाउन में है, इसराइल में उन्होंने थर्ड बूस्टर शॉट देने की शुरुआत की है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि वैक्सीन फूल प्रूफ तरीका साबित होगी या वैक्सीन लगाने के बाद हम पूरी तरह से कोरोना पर नियंत्रण कर पाएंगे, तो ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ये हमारी इस जो धारणा है इसको चुनौती दे रहे हैं, और इसके बारे में मुझे लगता है कि और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। ये बात सही कही, क्योंकि लगातार इस म्यूटेंट का जो रिएक्शन है और जो इसके फेसेस हैं वो लगातार बदल रहे हैं, और किस स्थिति में कौन से म्यूटेंट सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाए इसका अंदेशा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, और कौन सी दवाई कारगर हो ये भी अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। डॉक्टर आदर्श, आपका क्या कहना है, क्या आपने भी इस तरह के कोई केसेस देखे हैं जिसमें किसी अलग तरह का कोई आपने नया चीज देखी हो कि नहीं अब ये भी केसेस आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये डेल्टा प्लस की बात हो रही थी तो उसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है, उसको भी परखा जा रहा है, तो क्या इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है उससे हम कैसे बच सकेंगे, क्योंकि लगातार हमें भी नहीं पता है कि कौन सा म्यूटेंट कब प्रभावी हो जाए। जब केरल जैसा जो शहर है जहां पर लगातार टेस्टिंग ट्रैकिंग सबसे ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर की जा रही है, ख्याल रखा जा रहा था, उसके बावजूद एकाएक जो केसेस में वृद्धि हुई है, और ये देखा भी गया है कि केरल में जब केस बढ़ते हैं तो लगातार बाकी राज्यों में भी केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्थिति क्या है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये देखिए, ये एक वायरस है और वायरस अपने जो है बहुरूपों में जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कभी तो ये जो है डेल्टा के रूप में, कभी डेल्टा प्लस के रूप में, कभी आप कई रूपों में ये देख रहे हैं। और अगर बात करें तो इस समय जो है यहाँ पे केसेस तो बहुत कम देखने मिल रहे हैं, लेकिन फॉरेन में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बहुत से केसेस जो है डेल्टा प्लस के जो है ये देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो जीनोम सीक्वेंस है और जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होने की वजह से, और इसमें जो है बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, और वो अपने जो है ये बहुरूपी होने की वजह से वो जब जैसे उस टीप मतलब किसी भी चीज़ का अगर बार बार जो है स्टडी करते हैं तो जैसे उसका विकल्प निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद वो अपना रूप जो है चेंज करता जा रहा है। जैसे जैसे हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वैक्सीन को प्रेयर कर रहे हैं कि इस हिसाब से आया था, अब ये इस हिसाब से आया, ब्लैक फंगस आया, तो वैसे ही क्या रहा उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, और ये एक जो है कह सकते हो कि एक साइंटिफिक लेवल पे जो है उनमें म्यूटेशन होता है, चेंजेस आते रहते हैं,
और इनको जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टडी करने की ज़रूरत है कि हम तभी उस पर निजात पा सकते हैं। और हमारी रिसर्च टीमें जो हैं उस पर जो है लगातार रिसर्च कर रही हैं कि इसके द्वारा जो है जो प्रभाव आ रहे हैं उनसे मेडिसिन कौन कौन सी बनाई जाए और उस पर क्या प्रभाव किया जाए। डॉक्टर आदर्श, लेकिन ये सबसे अहम हो जाता है कि इस वक्त जो स्थिति है वो आप किस कदर देख पा रहे हैं, क्योंकि डोजेस लग रहे हैं लेकिन आप लापरवाही भी दूसरे एंड पर देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग एक बार फिर से लापरवाह हो गए, लोगों के अंदर एक बार फिर से कोरोना का जो डर है वो खत्म हो गया है, या फिर आप कह लीजिए वो इस तरह से कोरोना से प्रभावी हो चुके हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कब तक इसे झेलते रहे या कब तक उन चीजों को लेकर हमें चलना पड़ेगा, लोग ये समझने में थोड़े से मुश्किल आ रही है उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सामने आ सकती हैं जिस तरह से ढिलाई हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि व्यक्ति ने जो है इतने चीजों को देखा, लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड देखा, और उसके सामने कहीं ना कहीं आर्थिक संकट आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट में चीजों को फेस करना पड़ रहा है, कहीं व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इतने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, तो वो अब उनको ये लगने लगा है कि हम कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। वो बेशक अपने आप को जो है प्रिकॉशन कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेट के लिए जो है उनको जो स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं लोगों से जहां पे जाना है और उन चीजों को जो है कहीं ना कहीं उनको उसके बिना जो है नहीं हो सकता है, इसलिए अब इतनी ज्यादा आर्थिक स्थितियां और दिक्कतें आ गई, लोगों की नौकरी चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वैक्सीनेशन का पालन कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनको प्रिकॉशन की जरूरत है, लेकिन उनको रोजी रोटी के आगे जो है कुछ शायद देखने को नहीं मिल रहा है कि वो कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि कोरोना से उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन चार महीने तीन महीने लोगों ने कैद किया, कुछ कमाया नहीं, कुछ खर्चे के खर्चे उनके बिल्कुल रहे, तो वो कहीं ना कहीं इसके अब वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई इसके साथ साथ हमारी थोड़ी सी रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए अब वो कोरोना के साथ जो है जीने की जैसे आदत होती है वैसी डाल लिया है, और उसी के साथ वो अपने आप के कार्य भी जो है निपटा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसी वजह से वो कहीं ना कहीं वो शिकार हो जाते हैं, जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं या कहीं पे असावधानी हो जाती है तो वहाँ पे वो आ जाता है और उससे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति और जगहों से काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा किए गए, तो इस वजह से जो स्थिति आज से अगर हम बात करें पिछले उसमें जो है कितने लोगों ने जो है अब जाने गंवाई, कितने लोग चले गए, उस स्थितियों को देखते हुए आज की स्थिति तो काफ़ी जो है सुधर गई है, और काफ़ी हद तक अब हमारे पास सरकार के पास काफ़ी ऐसी स्थितियाँ हैं जिसको मतलब वो काबू पा रहे हैं और सारी चीजें जो है प्रिपेयर हैं, स्थितियां काबू में लाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और यही आशा भी करते हैं कि स्थितियां काबू में ही रहे, उस तरह की स्थिति दूसरे फेज की हमें ना देखनी पड़े जब हमने शमशान घाटों पर लंबी कतारें देखी थी। डॉक्टर राजेश, आपका क्या कहना है, क्योंकि तीसरी लहर लगातार हम बात करते आए हैं और लगातार इस पर चर्चा करते आए कि बच्चों के लिए प्रभावी, हालांकि इम्यून सिस्टम बच्चों का काफी ज्यादा मजबूत होता है, दूसरे एंड पे ये भी समझा गया, लेकिन अभी जो बच्चों की शिक्षा को लेकर जो सबसे बड़ा एक खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते काफी लंबे वक्त से स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो अब ये भी सामने आने लग गया कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनको यूज टू होने में या फिर जो उनकी डिस्टर्ब हुई है पढ़ाई उसको लेकर एक बार फिर उस सिस्टम में आने में टाइम लगेगा, तो उसको लेकर जो स्कूल खोलने के ऊपर विचार हो रहा है, क्या अभी इस समय वो सही है? जी देखिए, जिस प्रकार से पिछले 2 साल से हम लोग लगातार मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो स्कूलिंग है पूरी तरह से जैसे मैं बोलूंगा डिरेल्ड हो चुकी है, तो क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है या जिनके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों में जो लर्निंग होती है ये इंटरैक्टिव होती है। इंटरैक्टिव कहने का मतलब कि बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं या टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें बहुत सारे जो पर्सनालिटी कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, जिनको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं या जैसे हम लोग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं हमारी मेडिकल के टर्म्स में। तो ऐसे बच्चे जो काफी दिनों तक एक ही एटमोसफियर में है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे हैं, इंटरेक्टिव गेम्स नहीं खेल रहे हैं, तो उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा। साथ में जो भी आप मतलब लर्निंग की एबिलिटीज देखते हैं या अगर आप समझ बात करें कि जो बेसिक फाउंडेशन होती है एजुकेशन की, तो अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आगे चल के बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी।
ये एक समस्या है जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे घर में रहने के लिए मजबूर है, ये इसकी वास्तविक समस्या है। लेकिन साथ में अगर आप देखें कि जिन राज्यों ने, खासकर जैसे अगर आप पंजाब की तरफ देखें, तो कल पंजाब में एक स्कूल में करीब 20 बच्चे एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। तो क्योंकि अभी पंजाब सरकार ने रिसेंटली स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, इसके बाद ये बच्चे पॉजिटिव आए, अब इन सब की फैमिलीज में एक अलग से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा कि जब भी आप स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे या बच्चों को मिक्सिंग, क्योंकि बच्चों के अभी कोई वैक्सीन है नहीं, तो आप जब भी मिक्सिंग करेंगे तो बच्चे वायरस का कैरियर बन सकते हैं और वो वायरस बाहर से घर में ला सकते हैं। ये बात तब और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां खुद कह रही हैं कि हमारी वैक्सीन आपको कैरियर होने से नहीं बचा सकती, हमारी वैक्सीन आपको सीवियर इन्फेक्शन होने से बचा सकती है बस। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कंफर्म श्योर नहीं है इस बारे में। तो इस चीज, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि अभी स्कूल खोलने पर थोड़ा निर्णय संयम के साथ लेना होगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं पंजाब में स्कूल खोले गए, केसेस बढ़े थोड़े, तो ऐसे होना चाहिए कि पहले कुछ जगहों के स्कूल खोले जाएं, उसके बाद देखा जाए कि हाँ केसेस में बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, उसके बाद फिर बाकी स्कूल्स खोले जा सकते हैं। बिल्कुल, अध्ययन करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गई है, क्योंकि लगातार बच्चों के लिए खतरा भी बना हुआ है। वैक्सीन भी अभी बच्चों के लिए नहीं आई है बाजारों में, कि वैक्सीन बच्चों को लगना शुरू हो गई हो, वैक्सीनेट हो रहे हो, ताकि इम्यून जो सिस्टम है उनका वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डॉक्टर आदर्श, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप होम्योपैथिक के बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, तो क्या लगता है कि इस अध्ययन में होम्योपैथ को भी ऐड करने की जरूरत बन गई है? क्योंकि एक होम्योपैथी ऐसी दवाई है जिसको आप लंबे वक्त तक चला भी सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और हो सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे कहते हैं कि हर किसी भी मर्ज पर असर करती है, तो हो सकता है कि कोरोना पे भी धीरे 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 करके अगर आप वो डोजेस ले रहे हैं, लंबे समय के लिए ले भी सकते हैं, और कोरोना से आपको बचाएगा भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर हैनी मैन सर थे, वो जर्मन के थे और वो MBBS MS सर्जन थे, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जहाँ पे एलोपैथिक का वर्क तो होता है, मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न उसमें जो है, लेकिन उन चीज़ों को वहाँ पे देखा कि कहीं पे जो है, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर जाती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उन्होंने होम्योपैथिक का आविष्कार किया। और होम्योपैथिक का आविष्कार करने का उनका सिर्फ एक पर्पज़ था कि जो होम्यो मीन्स होता है समान, और पैथी मीन्स लॉगस स्टडी, मतलब समान से समान की ओर, मतलब उन्होंने एक ऐसी पद्धति की जो है शुरुआत की जिसके द्वारा जो है हमारी बॉडी में जो है उन दो चीज़ों को स्टडी किया जाए। जैसे एक हमारी बॉडी में एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है, तो वैसे ही ये जो हमारी आत्मा है, होम्योपैथिक को वैसे कह सकते हो कि हमारी वाइटलिटी पे वर्क करती है। वाइटलिटी मीन्स इम्यून सिस्टम पे, हमारा इम्यून सिस्टम को, मतलब होम्योपैथिक में कोई भी मेडिसिन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करके जो है वो उस मर्ज को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको दूर किया जाता है। तो होम्योपैथिक में ऐसे ऐसे मेडिसिन्स आती हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी की वाइटलिटी जो है, वाइटलिटी मीन्स हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो कह सकते हो वाइटल एनर्जी है, जो पावर है, उसको हम बूस्टअप करते हैं। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे हम टंग पे लेते हैं, तो उसके द्वारा जो है हमें एक पॉजिटिव टाइप की एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ब्रेन को जाती है, और ब्रेन उस टाइप के ऑर्डर देता है कि इस बॉडी के इस सिस्टम को इतनी एनर्जी देनी है, और इतना वर्क करना है, और इस तरह से वर्क करना है। तो मतलब कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे बॉडी की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी कर देती है कि जब हमारी बॉडी के करीब में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, तो उससे लड़ने की पावर जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो इसलिए कह सकते हो कि होम्योपैथिक पहले था, आज के समय में ये होम्योपैथिक जो है, मॉडर्न होम्योपैथिक की अगर हम बात करें, तो ऐसा सिस्टम बन गया है कि जैसे व्यक्ति के करेक्टर्स, उसका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और उसके करेक्टर के अनुसार जो है होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं, और एक दवा एक व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही पॉजिटिव रहती है, सब हर व्यक्ति के लिए एक अलग व्यक्ति अलग दवा, ठीक है, उस पर जो है बहुत अच्छा वर्क करती है, और वो इतना ज्यादा अच्छा वर्क करती है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करती है। इसीलिए डॉक्टर आदर्श, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्यों अध्ययन इस ओर नहीं किया जा रहा है, क्यों होम्योपैथ की ओर कदम नहीं आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ हम वैक्सीन को लेकर ट्रायल्स कर रहे हैं, कॉकटेल डोज देने की बातें कर रहे हैं। होम्योपैथिक में भी हमने देखा कि किस तरह के स्टेरॉइड्स दिए गए, जिसके चलते ही ब्लैक फंगस जैसी बीमारी उत्पन्न हो गई,
शुगर लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया लोगों के अंदर, तो होम्योपैथ तो एक सेफ साइड है, अगर आप उस पर ट्रायल करेंगे तो शायद तक कोई उपलब्धि मिल जाए, तो उस ओर ट्रायल क्यों नहीं? देखिए ऐसा है क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो वायरस है इतनी जल्दी से अपने अपने रूप बदल रहा है, और लोग जो है बचाने के चक्कर में जो है इस समय जो है ना तो जो है कोई ऐसा वेरिएंट जो है बार बार चेंज होता रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है उसी पे जो है अपनी अध्ययन कर रहे हैं और इस ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं कि अभी जो है हम कैसे जो है जो एक समस्या आई है उसी अभी निदान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समस्या बढ़ती चली जा रही है। और जो अगर हम एलोपैथी की बात करें तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उसको पहले लाइफ को सेव करना है, और वो जो है एलोपैथिक के द्वारा ही तुरंत किया जा सकता है, ड्रिप है और बहुत से सर्जिकल प्रोसेस हैं जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ही आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत से होम्योपैथ ऐसे हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने जो है इस कोरोना की महामारी में जो है इसके द्वारा जो है होम्योपैथिक के द्वारा जो है बहुत लोगों को जो है जानों को बचाया है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप किया है, और उनको जो है काफ़ी हद तक जो है इस पैथी के द्वारा जो है लाभ मिला है। तो ये बहुत से लोग हैं जो इस पे जो है स्टडी कर रहे हैं और निरंतर जो है इस पे जो है कार्य चल रहा है, और होम्योपैथ डॉक्टर्स जो है वो अंदर ही अंदर जो है उस पे वर्क करते रहते हैं और हजारों लोगों को इसका लाभ पहुंचाते रहते हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश, आपको क्या कहना है, क्योंकि होम्योपैथिक की तरफ मैंने ध्यान खींचना चाहा है, क्या ये गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि कई D3 दवाई आई थी और तमाम दवाइयां आई जिन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत ज्यादा कारगर है, लेकिन अभी तक नहीं समझ पा रहे कि कौन सी दवाइयां कारगर है कौन सी नहीं है, लगातार नए नए अध्ययन चल रहे हैं, तो होम्योपैथिक की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए जो भी रिसर्च का काम होता है, चाहे आप वैक्सीन ट्रायल की बात कर लें, चाहे आप किसी नई मेडिसिन का अप्रूवल की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा नियंत्रित होती हैं। हालांकि अभी इस संबंध में सिर्फ जैसे कि आपने देखा कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने अब जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी, चाहे आप आयुष की बात करें या होम्योपैथी की बात करें, सबको एक जगह पे इंटीग्रेट करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये जिम्मा सौंपा है कि कोई भी पद्धति हो, कोई भी विधा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक मेडिसिन हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, इन सारी मेडिसिन में जो भी मेडिसिन अगर हम कोरोना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें एक स्टडी करनी होती है, और उस स्टडी के जो रिजल्ट होते हैं वो आईसीएमआर में सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आईसीएमआर हमें अप्रूवल देता है। तो किसी भी देश में जिसको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट को अफोर्ड मतलब अप्रूवल मिलने के लिए, वो इसी प्रकार से होता है। हालांकि इस संबंध में अभी कुछ अपवाद भी देखे गए हैं, जैसा कि सबसे बड़ा अपवाद आप देखिए तो वैक्सीन के क्षेत्र में ही मिलता है। जो हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन Phase 3 उस ट्रायल्स के उसके रिजल्ट अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, फिर भी उसको बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है, आकस्मिक इस्तेमाल की अनुमति मिलती है, तो इस प्रकार की स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे आईसीएमआर चाहे तो वो करा सकते हैं। मूल विषय जो है वो ये है कि पद्धति चाहे कोई भी हो, चाहे आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करें या एलोपैथिक पद्धति से इलाज करें या होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करें, ये इविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। इविडेंस बेस्ड का मतलब कि सबूत होने चाहिए। सबूत आपको कैसे मिलेंगे, जब आप दो ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप को कुछ ना दें या एलोपैथिक दें या कोई और दूसरी मेडिसिन दें और दूसरे ग्रुप में सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन दें, उसके बाद आप देखें कि दोनों ग्रुप में रिजल्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च होता है ये एक तरह से गवर्नमेंट की परमिशन के बिना या आईसीएमआर के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। और मैं डॉक्टर आदर्श की बात से सहमत हूँ कि कई सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में भी जो कोरोना में अच्छा काम करती हैं, और मुझे लगता है कि इस मामले में अभी आईसीएमआर के थ्रू एक बहुत अच्छी रिसर्च करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेश, अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्या डॉक्टरों के हाथ इस वक्त मजबूत हो चुके हैं कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो हम उससे लड़ सकेंगे, क्योंकि पहले फेज के अकॉर्डिंग सेकेंड फेज में जरूरतों को बढ़ाया गया, अब तीसरे फेज की बात हो रही है, तो क्या डॉक्टरों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं इस ओर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम बात करें आंकड़ों के हिसाब से तो नंबर ऑफ बेड्स मतलब प्रति 10,000 लोगों में हमारे पास सिर्फ 5 बेड अवेलेबल हैं, ये 2017 का डाटा है। और अगर हम बात करें
तो सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है 90,000 लोगों पे, जबकि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर 10,000 लोगों पे कम से कम 10 बेड अवेलेबल होने चाहिए। तो ये जो हमारा आंकड़ा है ये बांग्लादेश से भी पीछे है, कई सारे और देश हैं उनसे भी पीछे है। तो हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी बहुत कमजोर है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारी पूरी की पूरी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसको हमें सिर्फ एक चीज के बेसिस पे नहीं रखना चाहिए कि अगर वो कहीं से भी गलती से फेल हो गई तो हम फिर से जीरो पे आ जाएंगे। और जिस तरह से हम सिर्फ वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमने कितने करोड़ डोज दे दिए, कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी एक दिन में, मुझे बहुत सही चीजें नहीं लगती हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में केरला में लगभग 40,000 ऐसे मामले आए हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, तो बिल्कुल ये सिर्फ समय की बात है। जैसा कि बाहर के देशों में आप अमेरिका को देख लीजिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से वहां पे अब आईसीयू में बेड फुल हो चुके हैं लगभग। ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में है, इन सबको छोड़ दीजिए, आप चाइना को देख लीजिए, बीजिंग में उन्होंने लॉकडाउन लगा रखा है, फिर से मास टेस्टिंग की जा रही है, और जितने केसेस उनके इस समय है जिस तरह से दूसरे प्रांतों में फैले हैं उतने केसेस उनके 2019 में भी नहीं थे जब वुहान से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये वायरस अपने आप को परिवर्तित करेगा, बिल्कुल और हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से परिवर्तित करे कि वो जो वैक्सीन है इसके द्वारा जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है इसको स्केप कर सके या इसको चकमा दे सके, जैसा कि अभी होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि जो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन आ रही है जी जिसमें दो विभिन्न प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही है, हो सकता है कि अगर हम दो विभिन्न प्रकार की वैक्सीन लगाएं, क्योंकि देखिए एक जो वैक्सीन है जैसे आप कोविशील्ड की बात करें तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसके खिलाफ बनी है, मतलब वायरस के कंपोनेंट के खिलाफ बनी, पूरे वायरस के खिलाफ नहीं बनी। जी लेकिन अगर आप कोवैक्सीन की बात करते हैं वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस यानी कंप्लीट वायरस है। तो अगर आप इस तरह की मिक्स्ड वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी आएगी वो ज्यादा अच्छी आएगी, और ये एक विकल्प हो सकता है म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ। साथ में ऐसे देश जैसा कि भारत देश है जहां पे वैक्सीन बनाने वाली कुछ कंपनियां और हम वैक्सीन की शॉर्टेज में रहते हैं, तो वहां पे अगर हम कई प्रकार की वैक्सीन को मिक्स करते हैं या दो प्रकार की वैक्सीन को मिक्स कर रहे हैं तो हम ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और अपना टारगेट जल्दी अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने कहा, लेकिन और वैक्सीनेशन के साथ साथ जी हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से इंप्रूव करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे लोग अब कोरोना को भूल के चुनाव की तरफ भाग रहे हैं, हर व्यक्ति को चुनाव ये नजर आ रहा है हर चुनाव जिले तो में, हर और हर बार तो बिल्कुल ये ये हर बहुत बार मुसीबत बना है, दुर्भाग्य और इस इस बार देश भी एक का, बार फिर उसी ओर हम ये वही इस बार भी चर्चा मुसीबत बन सकता घूम है। फिर के वही चर्चा वहीं पर आ जाती है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जहां पर एक बार ढिलाई होती है वहीं से केसेस में वृद्धि होना जी शुरू हो जाती है, और शुरू शायद हो जाता वायरस को बस एक वही चूक आपकी जरूरत होती है कि आप कहाँ चूक करें और वो आपके दायरे से अंदर आ सके आपके दायरे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है और लगातार चर्चा भी की है कि वायरस कभी मरता नहीं है और वो अपने आप को स्ट्रांग करके बार बार आप पर अटैक करता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और वो अपने आप को मजबूत करके आपकी इम्यूनिटी को ब्रेक करते हुए आपके अंदर आता है, वैसी स्थिति हम फिर देख रहे हैं। तो डॉक्टर आदर्श, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से लगातार स्थिति देख रहे हैं और डॉक्टर राजेश ने भी बताया कि डबल डोजेस भी दिए जा रहे हैं, अब पहले डोज भी लग चुके हैं लोगों को, जो पहले डोज लग चुके हैं उनको फिर से लगवाने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि एक समय सीमा के लिए ये आपको इम्यून कर रहा है, तो अगर 6 महीने या किसी को बीत गए हैं वैक्सीन लगवाने की तो उन्हें फिर से जरूरत पड़ जाएगी वैक्सीन लगाने की, फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो ये जो वैक्सीन का ड्राइव है ये लगातार इसी तरह से क्या चलता रहेगा? देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन किया गया है इसका एक टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने समय तक जो रहेगा, इसके बाद दोबारा आपको डोज लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और इस समय क्या हो रहा है जो वायरसेस है, वायरस जो होता है एक तरह से कह सकते हो कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की, तो
तो वो जो है अपने प्रतिवर्तित जो रूप कर रहा है, बार बार जो प्रतिवर्तित कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में तो एक ही तरह के वैक्सीन के द्वारा जो है दिया गया है डोजेस। अगर जो है डॉक्टर साहब ने जैसे अजय प्रजापति जी ने बताया कि अगर ये दोनों जो है लगाए जाएंगे तो बहुत हमारे अंदर म्यूटेंट उस टाइप के वायरसेस से लड़ने की पावर एक जो बनेगी वो बिल्कुल अलग होगी और हमारी बॉडी जो है उससे निजात पा सकेगी उस वायरस से। तो बहुत ज़रूरी है कि जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, जो लोग वैक्सीनेशन वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में, मतलब कम से कम इतना तो हो सकता है कि कोई इसको अगर लगवा लेता है तो तुरंत सडन जैसे डेथ देखने को मिली थी तो तुरंत डेथ नहीं होगी, कोई अचानक जो है ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे, तो इससे जो है हमें कम से कम वो सेव कर रही है। लेकिन अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर ऐसी व्यवस्थाओं के साथ जो है अगर इंसान को लड़ना पड़ेगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग तो हो ही जाएगा कि 90,000 पे जो है एक हॉस्पिटल जो है, तो क्योंकि आज जो है जब अगर बीमार कोई होता है तो फिर वो हजारों की, अगर पिछले उसमें देखा गया है कि बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी व्यवस्था है। तो हेल्थ स्ट्रक्चर को जो है जितना अगर मजबूत किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश से भी जैसा बताया जा रहा है कि मतलब उतना भी पिछड़ा है, तो उसमें जो है बहुत ही चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे अगर हम आबादी की बात करें तो बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत सी जनसंख्या लोग हैं, और यहाँ पे जो है जब आता है तो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल चैन के रूप में जो है सबको जो है इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में जो है डॉक्टर्स तो अपनी कमर कसी रहे हैं, वो अपनी जान को हथेली पे रख के जो है उन्होंने वर्क किया, और उसके साथ साथ जो है सरकार को भी जो है उनका सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी और हेल्थ स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी इस समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है। लेकिन लगातार जो स्थिति देख रहे हैं वो खतरे वाली है या नहीं है, आपको क्या लगता है? क्योंकि स्थिति तो लगातार फिर वही आ गए हैं हम, क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है। डॉक्टर आदर्श, आप भी देख रहे होंगे, तो एक बार फिर से जो सरकारों की कोशिश है कि कोरोना ना फैले और सेकेंड थर्ड स्टेज में हम ना जाए, उसको लेकर लगातार टेस्टिंग हो रही है। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक टेस्टिंग की जा रही है उत्तर प्रदेश की। अगर हम खाली बात करें राज्य की तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग में पहले स्थान पर आ गया है, लेकिन जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, वैक्सीन लगवाने लोग जाते हैं लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, वहां पर भीड़ और डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से भी मेंटेन नहीं की जा रही है, तो ये सब लापरवाही एक बार फिर ये जो कोशिशें हैं इस पर भारी ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे अगर देखने को हमें मिल रहा है, हमने खुद अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया तो उसमें देखा कि इतनी भीड़ एक साथ इतनी ज़्यादा हो जाती है और वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मतलब बहुत कोशिश करो लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं आपस में जो है फिर मिक्स हो जाते हैं। और कहने का मतलब वहाँ पे जो है प्रशासन को जो है जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे जो है कुछ अपनी जो है प्रबल बल देना चाहिए, जिसके द्वारा जो है लोग उस अनुबंधन का पालन कर सकें कि हाँ दूर दूर रह के जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस, तो कभी जो है नेटवर्क चला जाता है, अगर वैक्सीनेशन जो है प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट होता है तो 1,000 वैक्सीन आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है 150 वैक्सीन लग जाते हैं पाते हैं, बहुत से नहीं होता है वैक्सीनेशन, और हर एक आदमी यही तक में बैठा हुआ कि जैसे पल्स पोलियो जो है घर घर पिलाया जाता था वैसे जो है लोग जो है घर घर जाएंगे वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, हमें देखने को मिला है कि जहां पे वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा आज भी जो है हजारों की कतार लग जाती है। ऐसा क्या हुआ कि अभी तक वैक्सीनेशन प्रोसेस चल ही रहा है, लोग जो है नहीं लगवा पा रहे हैं इतना आंकड़ा होने के बावजूद भी, और कहीं ना कहीं उनको फिर से दोबारा डोजेज लगने का टाइम आ गया है और उनको फिर से जो है अगर प्रिपेयर होना है तो इसके लिए फिर से वैक्सीनेशन कराना होगा। तो इसलिए इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों की भी लापरवाही रह रही है, और थोड़ा सा सरकार की तरफ से जो है इसको जो है कड़े अनुबंधन के साथ अगर किया जाए तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही आसान हो सकता है और इससे हमें जो है निजात मिल सकती है। कड़ाई सरकार की है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता है वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की भीड़ एक बार फिर चिंता बढ़ा देती है। डॉक्टर राजेश, आपको क्या हिदायत देनी है, क्या लगता है कि इस वक्त कौन से वो कदम है जिस पर और जनता को अग्रसर होना चाहिए, वो कदम उठाने चाहिए जिससे वो कहीं ना कहीं बच सके, क्योंकि अब तो लोगों ने काढ़ा तक पीना छोड़ दिया है और वो जो तमाम चीजें अपना रहे थे, जो एक भय था लोगों के अंदर दूसरी जहर में भी, जो कहीं ना कहीं खतरा लोगों के जहन में आ गया था, उसको लेकर फिर से एक बार चीजों को ढिलाई में लेने लग गए हैं लोग, तो अभी क्या हिदायत देंगे आप लोगों को कि कौन सी चीजें हैं जो इस वक्त करनी जरूरी है?
सबसे पहले तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि मास्क पहनना है, अननेसेसरी बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं, काम पे ही जाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, ऐसे जगहों पे जहां बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा हो तो ऐसी जगहों पे जाने से बचें। साथ में घर के वो लोग जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, प्रयास करिए कि आप उनको भी वैक्सीन लगा दें। अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उसको तो जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से एक बात तो तय है कि जो सीवियर कोरोना अफेक्शन है या कोरोना से जो जान जाने का खतरा होता है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। साथ में वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को बाहुबली समझने का भूल बिल्कुल ना करें। वैक्सीन निर्माता कंपनी स्वयं इस बात को कह रही है कि वैक्सीनेशन आपको सीवियर कोरोना से बचा सकता है लेकिन आपको कैरियर होने से या इन्फेक्शन होने से नहीं बचा सकता। तो वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है जी। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये इन्फेक्शन आपके आसपास के लोग, आसपास के ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप पहले तो वैक्सीन लगवाएं, अगर वैक्सीन लगवा ली है तो मास्क पहन के रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें। जहां तक बच्चों का प्रश्न है, अगर बच्चों का स्कूल खुलता है तो बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दें, उन्हें भेजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस बच्चों को इस बात की हिदायत दे के भेजिए कि वो मास्क पहन के रखें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और बेवजह मास्क को छूने से या नाक या कान को हाथ लगाने से बचें। बिल्कुल, ये हिदायतें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और लोगों को समझने की भी जरूरत है कि इन्हें फॉलो करना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया। डॉक्टर आदर्श, आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या जरूरी हो गया है लोगों के लिए करना? जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ही सही बताया। और जो ये स्कूल कॉलेजेस जो है खुलने का बहुत से जगहों पे जो है सुनने में आ रहा है कि यही जो है 15 या 16 तारीख से स्कूल खोले जा रहे हैं जी कुछ जगहों पे, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चों के थ्रू जो है कैरियर हो सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जो है प्रोसेस केवल अभी घर के बड़े जो लोग हैं 18 प्लस में और उन लोगों को हुआ है, लेकिन उन बच्चों को नहीं हुआ है। अगर ये कैरियर के रूप में जो है कहीं कुछ ले आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। इसलिए जो है जो क्लासरूम होनी चाहिए वो क्लासरूम में जो है बच्चों को अलग अलग जो है बेंचेस पे बैठाना चाहिए और उनमें जो है प्रॉपरली दूरी रखना चाहिए और हॉल का इस्तेमाल करें कि जिसमें ज़्यादा काफ़ी बच्चे आ सके और माइक का इस्तेमाल करें जिससे जो है वहाँ पे जो आसपास के बच्चे हैं उसे प्रभावित ना हो सके और हर बच्चे को जो है सिंगल सिंगल करके छोड़ा जाए ताकि एक दूसरे के पास ना सके। तो स्कूल को जो है इसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा तभी जो है इस चीज़ को जो है प्रॉपरली जो है हिट बनाया जा सकता है। और स्कूल की जो स्थितियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं, स्कूल में बच्चे ना आने की वजह से भी उन पे भी जो है काफ़ी आर्थिक जो है दिक्कत पड़ी है। तो इस वजह से स्कूल प्रशासन भी चाह रहा है कि नहीं कुछ स्कूल का प्रोसेस जो स्टार्ट होना चाहिए, जरूरी भी हो गया। तो इसलिए अब जरूरी है कि जो बड़े बच्चे हैं जिन बच्चों की जो इंटर में है या हाई स्कूल में है जो 8th प्लस में है उन बच्चों के लिए केवल अभी जो है स्कूल खोलना चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ये अगर 3rd वेव जो आने वाली है उसको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए महीने भर की और उसके बाद जो है स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा बना हुआ है और लगातार इसको लेकर डर भी है कि कैसे स्थिति को काबू किया जाए। तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं चेताया भी जा रहा है। तो डीजीसीआई ने अब कॉकटेल वैक्सीन को लेकर मंजूरी दे दी है। अध्ययन किया जा रहा है कि क्या दो वैक्सीन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी होगी, लेकिन आप सबके लिए यही हिदायत है कि केसेस बेहद कम आ रहे हो लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, कोविड वैक्सीन लगवाने की जरूरत है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करने की और सबसे अहम तो मास्क जो आपकी सबसे पहली वैक्सीन है उसे अपने पास हमेशा रख के लगाए रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोविड का खतरा गया नहीं है और किसी भी वक्त कोविड में दूसरी लहर जैसी स्थिति ना दोबारा से उत्पन्न हो जाए उसके लिए सचेत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।